स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर माइनर मैथ सेकंड पेपर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन फोर्थ है। इसके पहले हम तीन क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं यूनिट फाइव में। तो यूनिट फाइव में जितने भी क्वेश्चन है सब में आप लोग को सीएफ और पीआई निकालना है और अभी स्टाइल बाय इज इक्वल टू सीएफ प्लस पीआई में वैल्यू पुट करनी है सीएफ और पीआई की, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इसके और भी क्वेश्चन देखिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ कि इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। और इसी यूनिट में आप लोग को प्राचल विचरण विधि होगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कुछ दिया है उसको लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, इसकी हमने मेथड बताई हुई है कि इन प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आप लोग को कैपिटल डी रखना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल डी रखने पर रखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, पहले वाई कॉमन ले लेते हैं सबसे, ठीक है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये डी डी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे आप लोग कैपिटल डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ से वाई कॉमन ले लिया ना, इस प्रकार से वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। डी स्क्वायर कैपिटल का डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू में अपना वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप लोग को इसका सहायक समीकरण बनाना पड़ता है। तो सहायक समीकरण कैसे बनाते हैं, डी इज इक्वल टू एम रखते हैं सहायक समीकरण। नाउ ए ई इज डी इज इक्वल टू एम रखने पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी रखना है, तो रखते हैं क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आप लोग को एम की वैल्यू निकालनी पड़ती है, एम की वैल्यू से ही आप लोग सी एफ निकाल पाओगे। तो सी एफ की जो कंडीशन होती है वो एम की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो एम की वैल्यू आप लोग के मतलब एम के मान समान हो, असमान हो, या फिर आई के साथ दिए गए हों, या फिर ओनली आई हो, तब आप लोग को सी एफ कैसे निकालना है इसके फॉर्मूला हम और कंडीशन बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का फोर है, इस साइड आप लोग का माइनस का फोर आ जाएगा। इसके बाद एम यहाँ पे स्क्वायर है, ये अपना अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोर अपना जो कहते हो माइनस वन, ये आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। तो फोर जब आप लोग का अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस टू होगा, और आई स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आई आ जाएगा। ये आ गई आप लोग की एम की वैल्यू। अब जब भी कभी आप लोग की m की वैल्यू जो हो वो प्लस माइनस ए आई के रूप में हो, ए आई, ठीक है, ये अपना a, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, तो इसका जो मतलब सी एफ होगा वो कैसे होगा, सी एफ इज इक्वल टू होगा जो वो होगा सी वन कॉस और साइन के रूप में हो, कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। ए की वैल्यू क्या है अपनी टू है, तो सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, मीन्स ए की वैल्यू क्या है अपनी 2x। ये आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करना सीख लीजिए। अगर प्लस माइनस ए आई के रूप में a की वैल्यू दी है तब आप लोग का सी एफ जो होगा वो होगा c1 वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू कॉस सॉरी साइन ए एक्स, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का सी एफ होगा। तो ये अपना सी एफ आ गया। अब निकालना देखो, अब आर एच एस में जीरो नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो आर एच एस आप लोग को पी आई निकालना पड़ेगा। अगर जीरो होता तो आप लोग को पी आई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो पी आई कैसे निकालते हो, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू आर एच एस, ये होता है पी आई का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन लगेंगी, हाँ, एफ ऑफ डी के रूप में समीकरण क्या है अपना डी स्क्वायर प्लस फोर, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस का फोर इंटू आर एच एस अपना क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक सर्वसमीका होती है टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है।
ये वाली सरसमी का साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर रख देते हैं, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर तो जो हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो ये टू आप लोग का पक्षांतर में अपॉन में आ जाएगा, मीन साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे वन माइनस कॉस टू एक्स वाई टू हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वन वाई टू को आगे ले लेते हैं, ये टू जो है आप लोग का वन वाई टू इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई, वन में मल्टीप्लाई होगा तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर जो कहते हो, माइनस लगा हुआ है तो माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू अपना कॉस टू एक्स, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसका, इस टू को आगे ले लिया, इसका पहले वन में मल्टीप्लाई फिर कॉस टू एक्स में, अब देखो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे इंटू में वन कहलाया, वन के लिए आप लोग ई इंटू जीरो एक्स लिख सकते हो, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ई रेस टू दी पावर जीरो, कुछ की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है, अर्थात ये इंटू में वन था तो आप लोगों ने ये लिख दिया। अब देखो कभी भी अगर आप लोग का ई रेस टू दी पावर ए एक्स दिया हुआ है पी आई में, तो आप लोग क्या करोगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रखोगे, ठीक है। इसीलिए डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर रखोगे इक्वेशन में, ओके रखते हैं। तो अपना ये वन बाई टू जो कहते हो रहेगा, ए की वैल्यू क्या है, ई रेस टू दी पावर ए एक्स है, ए की वैल्यू जीरो है, मींस वन अपॉन जीरो प्लस अपना फोर, ओके माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर कॉस टू एक्स, ओके इतना क्लियर है।